हेलो फ्रेंड्स, वेरी वॉर्म वेलकम टू एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। मेरा नाम है मोहित रांटा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुड्डुचेरी के बारे में। पुड्डुचेरी, पॉन्डिचेरी इसे इस नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम बदलकर हो गया है पुड्डुचेरी। 2006 के बाद इसे पुड्डुचेरी के नाम से जाना जाता है। ये भारत की यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये एक फ्रेंच कॉलोनी रही है। आज की वीडियो में हम फ्रेंच कॉलोनी के बारे में जानेंगे। ये एक छोटी सी यूनियन टेरेटरी है, तो इसके बारे में जानने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, जितना भी है वो हम आज इसमें कवर करेंगे। तो देखिए, जो ये पुडुचेरी है, यूनियन टेरिटरी है, इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी तमिलनाडु में, तो इसका जो रीजन है, मैक्सिमम रीजन है, वो आता है तमिलनाडु में। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये देखिए, ये है हमारा प्यारा 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 भारत, और इसमें यहां पर जो ये आप रेड डॉट्स देख पा रहे हैं, ये है पुडुचेरी। जी हाँ, ये जो पुडुचेरी है ये कुछ इस तरह से ही है। पुडुचेरी चार डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना हुआ है। पहली जो दो डिस्ट्रिक्ट है वो यहां पर आती है तमिलनाडु में, जो अपनी बॉर्डर शेयर करता है तमिलनाडु के साथ, और इसके साथ साथ ही बे ऑफ बंगाल के साथ यहां पर अपनी बॉर्डर शेयर करता है। दूसरी देखिए, दूसरी जो इसकी बॉर्डर है वो यहां पर ये शेयर करता है केरला के साथ, और साथ ही साथ यहां पर करता है अरेबियन सी के साथ। तो ये इसकी तीसरी डिस्ट्रिक्ट हो गई। दो डिस्ट्रिक्ट आती है तमिलनाडु में, एक आती है केरला में। अब एक और इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट बचती है इसकी, जो कि आती है यहां पर आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में आती है, यहां पर ये भी बे ऑफ बंगाल और आंध्र प्रदेश के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो इसके बारे में एक चीज बता दूं मैं, जैसे जैसे अंग्रेजों का राज यहां पर बढ़ता गया, इससे पहले यहां पर फ्रेंच कॉलोनीज थी, बहुत सारी कॉलोनीज थी, लेकिन जो फ्रेंच कॉलोनी है वो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद इनकी जो कॉलोनीज है वो छोटी होती गई, और जो ये रीजन थे यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलोनीज थी फ्रेंच की, जिसकी वजह से ये रीजन यहां पर इसमें रहे। तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है, ये चार डिस्ट्रिक्ट्स है, और इनमें से जो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी वो थी पॉन्डिचेरी, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा यूनियन टेरिटरी का पुडुचेरी। तो उसके बारे में फर्दर जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहां पर जाके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो की या किसी भी वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहां मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर देखिए, अब बात करते हैं स्टेट सिंबल्स की पुडुचेरी के। पुडुचेरी के जो स्टेट सिंबल्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहां का जो सॉन्ग है वो है इन्वोकेशन ऑफ तमिल गॉडेस। ये किसने लिखा था? ये लिखा था भारतीदासन ने। ये जो सॉन्ग है ये तमिलनाडु का भी स्टेट सॉन्ग है, और यहां पर इसकी जो दो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स है वो यहाँ पर पड़ती है, इसलिए यहाँ का ये सॉन्ग सेम है। एनिमल की बात करें तो यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो है स्क्वायरल, और बर्ड यहाँ का है कोयल। फ्लावर यहाँ का है कैनन बॉल ट्री फ्लावर, ये यहाँ का स्टेट फ्लावर है। ट्री की बात करें तो ट्री यहाँ पर है बाइल फ्रूट ट्री। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में बात करते हैं यहाँ की फॉर्मेशन की, और साथ ही साथ यहाँ की गवर्नमेंट की भी बात कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली में सीएम भी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है, और दूसरी जो यूनियन टेरिटरी है जहां पर सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठते हैं वो है पुडुचेरी। तो ये इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र दो यूनियन टेरिटरीज ऐसी है, दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी और यूनियन टेरिटरी है साथ में, और इसी के साथ साथ है पुडुचेरी। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर नहीं बैठते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, फ्रेंच इंडिया कॉलोनी ये कब रही? फ्रेंच ने जब यहां पर राज किया, यहां पर ये फ्रेंच अंपायर के अधीन रही, कॉलोनियल अंपायर के अधीन रही, तो ये रही 1673 से लेकर। अब देखिए, डी फैक्टो ट्रांसफर हुआ इंडिया को, तो इंडिया जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया था तो उसको ये ट्रांसफर कर दिया गया 1 नवंबर 1954 को। एक वैसे तो ये 1 नवंबर 1954 को फ्रेंच जो थे उनके द्वारा, फ्रेंच कॉलोनीज के द्वारा ये जो है इंडिया को सौंप दिया गया 1 नवंबर 1954 को, लेकिन डी ज्यूरो जो है ये होता है ऑफिशियली बाय लॉ, इसको ट्रांसफर किया गया इंडिया में 16 अगस्त 1962 को। यहां पर ये इंडिया को मिल गई थी 1 नवंबर 1954 को, लेकिन इसका जो ऑफिशियल वर्क है, जो बाय लॉ है, ये कंप्लीटली इंडिया को मिला 16 अगस्त 1962 को। अब यहां की कैपिटल और जो लार्जेस्ट सिटी है यहां की वो है पॉन्डिचेरी। यहां पर मैंने आपको बताया यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या है वो है 4। अब यहां की गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पर ल्यूटिनेंट गवर्नर जो है वो है किरण बेदी, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है वी नारायण स्वामी। वी नारायण स्वामी जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के है, ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। अब चीफ सेक्रेटरी की बात कर लेते हैं तो अश्विनी कुमार जो है ये आईएएस ऑफिसर है, तो ये यहाँ के चीफ सेक्रेटरी है। डीजीपी की बात करें तो यहाँ के जो डीजीपी है उनका नाम है सुनील कुमार गौतम, ये आईपीएस ऑफिसर है और ये यहाँ के डीजीपी है। अब देखिए लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है यहाँ पर, जिसमें कि 33 सीट्स है। नेक्स्ट देखिए यहाँ के एरिया की बात कर लेते हैं तो पुडुचेरी का जो एरिया है टोटल एरिया है 483 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 186 स्क्वायर माइल होता है। और एरिया वाइज इसका रैंक है 33rd, 33वां नंबर है इसका एरिया वाइज। और अगर यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 12,44,464, जो कि इसका रैंक टोटल इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में 29th बनाता है। डेंसिटी की बात करें तो यहाँ की जो डेंसिटी है वो है 2600 पर्सन, 2600 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ के जो डिमोनीज है वो पोंडिचेरियन है। लैंग्वेजेस की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस यहाँ की कौन कौन सी है, क्योंकि इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो तमिलनाडु में है, तो तमिल यहाँ की एक लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ की जो पौंडीचेरी और जो कैरेकाल है ये तमिलनाडु में पड़ती है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम भी है, क्योंकि माहे जो डिस्ट्रिक्ट है वो तमिलनाडु केरला में पड़ती है। तेलुगु भी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ की जो यमन डिस्ट्रिक्ट है वो आंध्र प्रदेश में पड़ती है। इंग्लिश और फ्रेंच इसके साथ साथ यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखिए इसकी जो फॉर्मर जो चार एनक्लेव्स है फ्रेंच इंडिया की, वो चार भागों में डिवाइडेड थी, जिनमें कि नेमली पौंडीचेरी के नाम से इसको जाना जाता था, पौंडीचेरी के नाम से पहले, जिसको कि बाद में पुडुचेरी किया गया, केरेकॉल जिसको कि पहले जाना जाता था केरेकाल के नाम से, माहे और यमन, ये चार यहाँ की सॉरी यनोम यनोन ये यहाँ की जिसको यनम के नाम से जाना जाता था, ये यहाँ की चार एक्सक्लेव थी फ्रेंच इंडिया की। अब देखिए ये जो नेम है, जैसे कि मैंने आपको बताया पुडुचेरी, हिस्टोरिकली इसका नाम पॉन्डिचेरी था, लेकिन बाद में इसको जब इसको चेंज किया गया ऑफिशियली इसका नाम पुडुचेरी रखा गया, ये रखा गया 20 सितंबर 2006 को। इसके बाद क्या होता है, जो एरिया है इसका पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट का, केरेकॉल डिस्ट्रिक्ट का, ये आता है तमिलनाडु स्टेट के अधीन। और इसी के साथ साथ जो यनम डिस्ट्रिक्ट है और माहे डिस्ट्रिक्ट है, यनम आती है आपकी आंध्र प्रदेश में और माहे जो है ये आता है केरला में। अब देखिए यहाँ की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, यहाँ की बहुत थोड़ी सी हिस्ट्री है जिसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए हिस्ट्री जो है यहाँ की वो बताया जाता है 2nd AD के आसपास की है। अर्लियर जो रिकॉर्ड है वो बताते हैं यहाँ की जो हिस्ट्री है पुडुचेरी की, ये 2री सेंचुरी के आसपास की है। तो ये कहाँ पर बताया गया है, ये आती ये एक बुक है जो कि है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये मेंशन किया गया है, ये प्लेस जो है ये पुडुकोड़े के नाम से जाना जाता था। ये बुक जो है इसमें ग्रीक और रोमन जो है उनके एम्पायर के बारे में बताया गया है, उनके जहां जहां वो व्यापार करते थे उसके बारे में बताया गया है, उनकी टेरिटरीज के बारे में। तो उस बुक में इसको बताया गया है 2री सेंचुरी के आसपास पुडुकोड़े नाम की एक जगह थी जो कि इसे माना गया है। अब देखिए यहाँ की जो ट्रेडिंग स्टेशन है ये थे गुड्स के रोमन मैन्युफैक्चरर के, ठीक है, वो यहाँ से इंपोर्ट किए जाते हैं 1st सेंचुरी के हिसाब से ये माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन की गई है, सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन की गई, जिनका नाम है विमला बगले द्वारा। इन्होंने 1989 से लेकर 1992 तक यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की और मॉडिफाइड किया यहाँ की असेसमेंट को, जो कि अब ये प्लेस जो है ये पीरियड जो है ऑक्यूपेशन इसका बताया गया है 3rd से लेकर 2nd सेंचुरी BCE तक, टू द 8th सेंचुरी CE, 3rd से 2nd BCE से लेकर 8वीं सेंचुरी तक का जो है इसका ये रीजन रहा है। नेक्स्ट देखिए अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये फ्रेंच कॉलोनियल अंपायर शुरू हो जाता है इंडिया में, कब, 1674 में। 1674 में जो पौंडीचेरी है ये फ्रेंच कॉलोनी का हिस्सा बन जाती है पौंडीचेरी,
1674 में फ्रेंच कॉलोनी का हिस्सा बन जाती है। इसी के साथ साथ जो चंद्र नेगोर होता है ये पहले से ही फ्रेंच इंडिया का हिस्सा होता है 1673 से। माहे जो है ये 1721 में यहाँ का हिस्सा बन जाता है, इनका हिस्सा बन जाता है। और यनम जो कि यानोन के नाम से जाना जाता है ये 1731 से फ्रेंच इंडिया का हिस्सा बन जाता है। अब जो ये कैरेकॉल होता है ये 1739 में इनका हिस्सा बन जाता है। और इसी के साथ साथ मुसलीपट्टम जो है ये 1760 में इनका हिस्सा बन जाता है। फ्रेंच जो इंडिया होती है, फ्रेंच कॉलोनी बन जाती है और ये फ्रेंच इंडिया का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये सिंगल फ्रेंच गवर्नर जो होते हैं, सिंगल फ्रेंच गवर्नर पॉन्डिचेरी के, वो यहाँ बैठते हैं और इन सारे जो रीजन्स हैं इन पर रूल करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है ये ऑक्यूपाई कर लेती है साउथ में, अपना जो रीजन है वो बढ़ाकर अपना साउथ में पहुंच जाती है। अब देखिए जो फ्रेंच टेरिटरीज है इंडिया की, ये कंप्लीटली ट्रांसफर की जाती है इंडिया को, जैसे कि मैंने बताया था 1 नवंबर 1954 को। इसके बाद जैसे ब्रिटिश इंडिया यहां पर फैल जाती है रीजन में, तो ये छोटे छोटी जो कॉलोनीज रह जाती है ये फ्रेंच इंडिया की रहती है। और ये इसके बाद जैसे 1947 में अंग्रेज यहां से चले जाते हैं, उसके बाद 1 नवंबर 1954 को फ्रेंच इंडिया इसको इंडिया को सौंप देती है। और उसके बाद 1962 में इसको कंप्लीटली लॉफुली इसको इंडिया को सौंप देती है। अब देखिए जो यूनियन टेरिटरी है ये यहां पर चार स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, जो कि मैंने आपको बताया जो पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट है ये 293 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, केरकॉल डिस्ट्रिक्ट जो है ये 151 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, और जो यनम डिस्ट्रिक्ट है ये 20 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। बे ऑफ बंगाल में माहे डिस्ट्रिक्ट जो ये जो तीनों रीजन है ये आप देख सकते हैं, पुडुचेरी, केरकॉल और यनम जो है ये बे ऑफ बंगाल में आती है। अब जो माहे डिस्ट्रिक्ट है ये 9 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है और ये अरेबियन सी जो है इसके रीजन में आती है। अब ये जो टोटल एरिया है ये 483 स्क्वायर किलोमीटर का जो है एरिया इसको कवर करती है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है 12,44,464। ये जो रीजन है ये एक कोस्टल रीजन है और यहाँ पर 5 रिवर्स बहती है पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट में, 7 रिवर्स बहती है केरेकॉल डिस्ट्रिक्ट में और 2 रिवर्स बहती है माहे डिस्ट्रिक्ट में। इसी के साथ साथ यनम डिस्ट्रिक्ट में भी बहती है, यनम डिस्ट्रिक्ट में 1 रिवर बहती है। और यहाँ पर कोई ये जो रिवर्स बहती है यहाँ से, ये इनमें से कोई भी रिवर जो है ये पुडुचेरी से ओरिजिनेट नहीं होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो यहाँ पर एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है औसुडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 2008 में एस्टेब्लिश की गई थी और 3.90 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है। सो गाइज ये बात थी हमारी यूनियन टेरिटरी की, जिसमें हमने जो गवर्न्ड है, जिसमें कि चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये हमारी यूनियन टेरिटरी थी जिसके बारे में हमने बात की। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक हमारा इंतजार करें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया में भी ये वीडियोस जो है शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, आप अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक करें, चैनल को जो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करें।